गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हैदराबाद में ऐसी कई जगह है जहाँ पे आप जाकर फोटोशूट कर सकते हैं, और लास्ट टाइम हमने आपको झीलपा का एक मतलब हिस्सा भी बताया था जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। तो इस बार हम आए कोटरी में, तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कोटरी तो हैदराबाद से बाहर है, लेकिन घबराने कोई बात नहीं, वो इतना भी बाहर नहीं है, बहुत करीब है, और हमने आपको रास्ता भी गाइड कर दिया है, तो आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए भी थे, इसी जगह पे आए थे, लेकिन हमने सिर्फ बाहर की जगह पे फोटो शूट किया था, ठीक है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी और अंदर की जगह नहीं गए थे। तो आज हम जाएंगे, आपको बताएंगे, और अंदर की जगह पे भी जाके आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जगह जहाँ पर हम पिक खिंचवाने पहले आए थे, अब हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं, जिसके मतलब हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पर वो बेहतरीन है इनसे, तो चलें चलते हैं अंदर, आपको भी मजा आएगा। और यहाँ पर अंदर जो है ना, बिल्कुल फोटोग्राफी के लिए ही बनाया गया है, इस वजह से इसके चार्जेस लेते हैं। आप भी आइए अपनी, मतलब आपको अगर आप में से कोई शौकीन है पिक का, तो अंदर आकर अपनी पिक खिंचवा सकता है। बहुत क्लास आएगी, क्लास। देखिए यार, ये तकिया कलाम है इनका, तो प्लीज इस पे एक हंसना जरूर भेजिएगा कमेंट में। तो आज वो चचा नहीं नजर आ रहे, कहाँ गए? तो आज हम ऐसे ही गुजर जाते हैं अंदर। यार वाकई में किधर है ये? अंदर है ना, बैठे हुए। तो अभी यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में, आपको फिर आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको गाइड करते रहेंगे, अब आप इनकी हिस्ट्री सुनिएगा। वो पिक मैंने कोर पे लगाई थी एफबी पे, मतलब इतनी बेहतरीन आई थी। आप भी यहाँ पर आइए, आपकी बेहतरीन पिक, बेहतरीन। अच्छा था सर, ये हम सिंधी में बात कर रहे हैं, हम अगर कोई सिंधी होता कमेंट में कमेंट डाउन कर दें, तो हम अगली बार सिंधी में बनाएंगे। देख सकते हैं हम पिक्चर्स के एल्बम भी आपको मतलब इसी व्लॉग में हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट टू है, पिछली बार हमने आप अच्छे मिल सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं अब हम रवाना हो रहे हैं अपने सफर की तरफ। और सामने चौकीदार खड़े हुए हैं और देखते जाइए आप लोग। तो अभी अविनाश जाते जाते एक आपको वेट उठाकर दिखाएंगे और ये वेट जो जिम में रोज उठाते हैं और वो इसका मेरे ख्याल से वेट होगा 20 या 40 केजी। चल 40 केजी अपना वेट है 40 मुश्किल है इसका। मतलब अविनाश वो लगाएं सेट लगाएं अबे भारी है वो भारी है ना। तो चलो बॉडी बन गई तो ज़्यादा फनकारी दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। तो अभी आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं रवाना हो रहे हैं घर की तरफ और ये डॉगी हमारे साथ आपका दोस्त। सॉरी माफ करें भाई जान माफ करें। तो अभी हम जा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले ली थी तो इस वजह से आज मेरे ख्याल से नहीं ले रहे हैं। लेनी चाहिए वैसे आप बोले लेनी चाहिए क्या आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोबारा हम बाहर की लेंगे ना दोबारा मतलब दोबारा अंदर को एक आइडिया चाहिए हम उनके लिए हाजिर हैं हाजिर हैं हाँ ये बात हाजिर हैं होने के लिए हाजिर नहीं बोले हाजिर बोले ये और ये क्या है और हाँ तो आप सामान रख दीजिए यहाँ पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप यहाँ पे। मेहनत बहुत कर रहा हूँ मेहनत का फल नहीं मिल रहा। फल समझते हो फल किसको कहते हैं रिजल्ट्स फ्रूट्स। तो अभी चलते हैं हम यहाँ देखो इनके अंदर क्या है इनके अंदर क्या छुपा है वही जो हम अंदर गए थे वही। तो अभी यहाँ सवारियाँ भी जा रही हैं आप देख सकते हैं ट्रेन के नीचे आप देख सकते हैं अविनाश सोएगा के नीचे ये क्या है? अभी ना जाए आप इनको ये कुछ भी नहीं आवा है ये कुछ भी नहीं आवा है बस। तो यहाँ पर आपको चढ़ना हो तो आप अपने अविनाश से क्या आइएगा आप आराम से चढ़ जाएंगे नहीं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको चल कर दिखाऊँ मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप चढ़ कर दिखाएं इनको आप आइएगा पता है कैसे चलिएगा। अरे आप कुर्सी नहीं लेके आए तो पहले पाँव यहाँ पर रखिएगा एक मिनट देखो यहाँ पर पाँव रखा और ऐसे पागल लोग भी मिलते हैं दुनिया में। बिल्कुल अबे मैं गिर ना जाऊँ अब ऐसे भी पागल लोग मिलते हैं यहाँ दुनिया में तो मेरे तो साथ ही होता है 24 घंटे। इनकी बातों पर मतलब गौर ना करें ये थोड़ा सा क्रेक दिमाग है इसका दिमाग जो है ना आधा आधा घुमा हुआ है बस अब मैं उतर रहा हूँ देखो कैसे उतरना है। अब इसकी डाइट चेक करिएगा बस ऐसे ये होते पागल लोग ये होते पागल लोग। तो आप बस तो देख रहे हैं हम आज की अपनी ऑफिशियल पार्ट टू का इख्तिताम कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे पेज के नाम से है हमारा पेज उसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर और इसी के साथ घंटा जरूर बजाना। तो गाइस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का इख्तिताम करें और तब तक और हमारे दूसरे ब्लॉग का इंतजार कीजिए तब तक के लिए।